अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको नमक पारे बनाना सिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि हमारा पूरा वीक मॉनसून स्नैक्स का चलेगा। अगर आप कोई अपने पसंद के स्नैक की रेसिपी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताएं। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दें, और साथ जो छोटी सी बेल की आइकॉन है उसे भी हिट कर दें। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करें। घी 100 ग्राम, घी को गर्म करके यूज़ करना है, ठंडा घी यूज़ नहीं करना। इसको मैंने नीम गर्म करके रखा हुआ है। 100 ग्राम पानी, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 500 ग्राम मैदा। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना आपने। सबसे पहले एक बाउल में पानी ऐड कर दें, उसमें नमक डाल दें, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसके अंदर ज़ीरा डाल दें और घी भी ऐड कर दें। याद रहे नीम गर्म घी डालना है। अब इन चारों चीज़ों को मिक्स करके इसमें मैदा ऐड कर दें। क्वांटिटी उतनी ही रखनी है जितनी मैंने बताई है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, बिल्कुल आटे की तरह गूंदना है इसे, कोई मुश्किल काम नहीं है। पानी का छींटा लगाते रहे, पानी एक साथ ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो आपकी डो ख़राब हो जाएगी। देखें व्यूअर्स, नमक पारे की डो बिल्कुल रेडी है। ये चेक करें कितनी हार्ड मैंने गूंदी है, इससे ज़्यादा नरम और सख्त भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी डो गूंदनी है आपने। इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें। ये देखें व्यूअर्स, अब इस डो को रोल करके इसके 4 पीसेस कर लेंगे। इसको इस तरह रोल करके इसके 4 पीसेस बना लें। ठीक है, ये 4 पीसेस बन गए। अब हम इन चारों पीसेस की 4 बड़ी रोटियां बेल लेंगे। ये देखिए, इसके 4 बड़े पेड़े बना लिए हैं। अब काउंटर पे थोड़ा सा मैदा भी फैला लें। इस मैदे को थोड़ा थोड़ा करके आप यूज़ करते जाएं और बड़ी बड़ी रोटियां बेल लें। बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह गंदम के आटे की रोटी बेलते हैं उसी तरह इसको बेल लें। कोशिश करें बारीक रोटी बेलें। खुशका सिर्फ थोड़ा सा शुरू में यूज़ करना है ताकि रोटी चिपके ना, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ये देखिए व्यूअर्स, इतनी बड़ी रोटी बेल ली है। अब इसको नमक पारों में कट करने के लिए पहले इस तरह सीधी स्ट्रिप्स में कट करेंगे। इस साइड से कट कर लेंगे। साइज आप पे डिपेंड करता है, आप बड़े बनाना चाहते हैं तो फासला ज्यादा रख लें, छोटे बनाना चाहते हैं तो इस तरह फासला रख लें। ये
اس طرح کٹ کر لیے ہیں. اب ہم اس کو فرائی کریں گے. اس کو بہت احتیاط سے چھری سے اٹھا لیں تاکہ اس کی شیپ خراب نہ ہو. یہ دیکھیں بالکل نمک پارے کی شیپ ہے, اس طرح کی شیپ بنانی ہے آپ نے. یہ دیکھیں ویورز, یہ جو ایکسٹرا آٹا بچ گیا اس کو ہم دوسرے والے آٹے میں ملا کر دوبارہ پیڑا بنا لیں گے. جن کی شیپ صحیح نہیں بنی ہے اس کو ہم دوبارہ آٹے میں ملا لیں گے. اب میں باقی پیڑوں کے بھی ایسے ہی نمک پارے بنا لوں گی. میں اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتی ہوں. کڑاہی میں گھی ایڈ کر دیں اور اس کو گرم ہونے دیں. گھی گرم ہو گیا ہے, بہت زیادہ گرم نہیں کرنا, درمیانہ رکھنا ہے. پہلے اس میں ایک نمک پارا ایڈ کر کے دیکھ لیں, اگر یہ فوراً اوپر آ جائے اس کا مطلب گھی بالکل صحیح گرم ہو گیا. اب اس میں ایڈ کرتے جائیں گے, احتیاط سے ایڈ کریں. اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا, یہ فوراً ہی بن جاتے ہیں. اس کو اوپر نیچے ہلاتے رہیں تاکہ کلر سیم ہو جائے. جیسے ہی کلر آ جائے اس کو باہر نکال لیں, آئل اچھی طرح نکال لیں. کوشش کریں سارے اکٹھے ڈالیں. یاد رہے جب آپ نمک پارے ڈالیں اس کو فوراً نہیں ہلانا, تھوڑی دیر بعد ہلانا اسے اور اس کو مسلسل اوپر نیچے چمچ ہلاتے رہیں تاکہ سب پر سیم کلر آئے. اور جیسے ہی لائٹ گولڈن کلر آئے تو اس کو نکال لیں. اسی طرح میں سارے نمک پارے فرائی کر لوں گی. کرسپی نمک پارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں. آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے لگے آپ کو. اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.